नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11, बिल्कुल क्वेश्चन 10 की तरह से ही है, सो यू विल ट्राई इट। ट्वेल्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें, ए इज टू बी का रेशियो हमें गिवन है 3:4। ए इज टू बी का रेशियो क्या गिवन है? ए अपॉन बी हमें क्या दिया हुआ है? 3/4। फाइंड वैल्यू ऑफ 2a+3b इज टू 3a+4b। 2a+3b अपॉन 3a+4b, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो इसमें क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर को अगर आप a से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2 प्लस, दिस विल बी 3 इंटू, सॉरी बी से डिवाइड कीजिए, वो ज़्यादा ईजी होगा, राइट? सो दिस विल बी बी से अगर आप डिवाइड करेंगे, दिस विल बी ए अपॉन बी, राइट? ए अपॉन बी एंड प्लस 3, क्योंकि बी से डिवाइड करने में बी कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 3 ए बी ए अपॉन बी प्लस 4 क्या हो जाएगा, अकेला 4 रहेगा, राइट? अब ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी है? 3/4, राइट? तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? 3/4, सो इट इज 2 इंटू 3/4 प्लस 3 अपॉन, ए के जगह क्या रखना है? 3/4, 3 इंटू 3/4 प्लस 4। सो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया 6 प्लस, अगर एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जै 12, राइट? अपॉन में 4 होल अपॉन, दिस इज 9/4, 9 प्लस एलसीएम लेंगे तो ये होगा प्लस 16/4। एलसीएम से एलसीएम कट कर सकते हैं, सो इट इज नाउ 18/25, राइट? सो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 18/25, यानी कि डी हमारा आंसर होगा। 13th क्वेश्चन पे, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3, इफ फोर इज नंबर 2:3 के फॉर्म में रेशियो में दिए हुए हैं, सो नंबर्स क्या हो सकते हैं? 2x एंड 3x। नंबर क्या हो सकते हैं? 2x एंड 3x। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों नंबर्स में से 4 सब्ट्रैक्ट किया है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2x-4 एंड सेकेंड नंबर हो जाएगा 3x-4, राइट? दे आर इन रेशियो, और इनका रेशियो कितना है? दिस इज 3/5, राइट? इसको सॉल्व करके 2x-4/3x-4 इज इक्वल टू 3/5। इसको सिंप्लीफाई करके हम x फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 5 जै 10 माइनस 20, 10x-20 इज इक्वल टू, एंड दिस वन 9x-12, 9x-12, राइट? सो 10x-9x, 9x को लेफ्ट में ले आएंगे, 10x-9x दैट इज x इज इक्वल टू 20, राइट में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 20-12 सो x विल बी 8, x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। और हमें देखना फाइंड क्या करना है, दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ था, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दे आर इन रेशियो 3:5, फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड करने हैं। सो x की वैल्यू क्या आई है? x 8 आया है। x को अगर हम 8 यहाँ रखते हैं, क्योंकि नंबर्स हमारे क्या थे? 2x एंड 3x, राइट? सो x अगर 8 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 8 दैट इज 16 एंड सेकेंड 3 इंटू 8 दैट इज 24, राइट? 3 इंटू 8 तो नंबर हमारे होंगे 16 एंड 24, करेक्ट? नेक्स्ट, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:7:11। ट्राइंगल के एंगल्स किस रेशियो में है? 2:7:11 के रेशियो में है द एंगल्स आर। सो एक एंगल को जब इस टाइप के रेशियो में टर्म होती हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एंगल को 2x अज्यूम करेंगे, सेकंड एंगल होगा हमारा 7x, थर्ड एंगल होगा 11x। और अब क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं, इसलिए इन सब का सब क्या होना चाहिए? 180, 2x+7x 9x+11 दैट इज 20, इन सब का सम हो गया हमारा 20x, राइट? एंड इट शुड बी 180, तो 20x क्या होना चाहिए? 20x होना चाहिए आपका 180 के इक्वल, क्योंकि दीज आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सो सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180। सो एक्स एक्स हमारा कितना आ गया यहाँ से? 9, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स हमें मिला 9, राइट? अब हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। एक्स अगर 9 आ गया, तो जो फर्स्ट एंगल हमारा वो कितना होगा?
18 डिग्री, राइट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेकेंड एंगल होगा 9 इंटू 7 63 डिग्री, एंड थर्ड एंगल होगा 11 इंटू 9 99 डिग्री। सो सी पार्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, डिवाइड 324 बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को 324 को एक्स एंड वाई दो लोगों में डिवाइड करना है इन रेशियो 11:7, राइट। सो एक्स एंड वाई वुड गेट रुपीज, एक्स वाई को कितने रुपए मिलेंगे देखिए जरा क्या करेंगे। दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं, या तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स को कितने रुपीज मिलते हैं 11x, एक्स को कितने रुपीज मिलते हैं 11x, वाई को कितने रुपीज मिलते हैं 7y, और दोनों का सम कितना होना चाहिए 324 के इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज 18y 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 324, सो इट इज 18y इज इक्वल टू 324। सो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 324 अपॉन 18, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 18 पे ही कैंसिल होगा, राइट। ओके, सो x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई, सॉरी ये x ही लेना चाहिए था दोनों, दिस x, तो 7 प्लस दिस इज 18x, दिस इज x हमारा 18 आ गया, करेक्ट। x अगर 18 आ गया तो सेकेंड पर्सन को कितने मिलेंगे 18 इंटू 7, वाई को कितने पैसे मिलेंगे 18 इंटू 7 दैट इज 126, एंड फर्स्ट को क्या मिलेगा 11 इंटू 18 198, जो इस ऑप्शन में नहीं है। राइट, सो क्या ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, आनंद अर्न रुपीज 80 इन 7 आवर्स, अच्छा क्वेश्चन है, आनंद अर्न रुपीज 80 इन 7 आवर्स, तो एक घंटे में कितना अर्न किया उसने 80/7, अगर 7 आवर्स में 80 रुपीज अर्न करता तो एक घंटे में 80/7 रुपीज अर्न करेगा। एंड प्रमोद अर्न इन 90 रुपीज इन 12 आवर्स, तो प्रमोद ने एक घंटे में कितना अर्न किया 90/12, ये दोनों की 1 आवर की वर्किंग आ गई है, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज, अब उनकी अर्निंग का रेशियो हमें फाइंड करना है, राइट। तो जीरो तो हम वैसे ही कट कर देंगे, सो 8 अपॉन 7 अपॉन में क्या होगा 9/12, सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई होता है ये 8/7 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/9, ठीक है, इसको कट कर सकते हैं 3 4 जा 3 3 जा, राइट। सो ये आ गया हमारे पास 8 4 जा 32 is 2, 7 3 जा 21, उनकी अर्निंग का रेशियो कितना आया 32 is to 21। इसमें जो जनरल मिस्टेक होती है, बच्चे क्या करते हैं 80 और 90 का सीधा रेशियो फाइंड कर देते हैं 80 is to 90, और रेशियो को निकाल देते हैं 8 is to 9, वो नहीं होगा क्योंकि वो अलग अलग आर्स की अर्निंग है। सो पहले उनकी 1 आवर की अर्निंग दोनों की हमें ढूंढनी होगी, करेक्ट। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर इट इज 7:10, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10, नंबर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं 7x एंड 10x, और उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 105, वन नंबर 10x है दूसरा क्या है 7x, तो उनका डिफरेंस क्या होगा 10x - 7x दैट इज 3x, एंड ये हमें 105 के इक्वल दिया हुआ है। सो 3x इज इक्वल टू 105, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे, राइट, आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर आर 3 सिटीज, द रेशियो ऑफ देयर एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू, पी क्यू के जो एवरेज टेम्परेचर है उसका रेशियो कितना है 11:12,
एंड दैट ऑफ बिटवीन पी एंड आर इज 9:8। पी और आर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 9:8। पी क्यू का हमें, पी क्यू आर राइट ये दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर, क्यू एंड आर का रेशियो हमें फाइंड करना है राइट। अच्छा एक बात बताइए, पी और आर का रेशियो हमें दिया हुआ है, पी और क्यू का सॉरी, पी क्यू एंड आर 3:60 रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, पी क्यू का रेशियो हमें दिया हुआ है 11:12 एंड पी आर का रेशियो हमें दिया हुआ है 9:8 और फाइंड हमें करना है क्यू इज टू आर, क्यू इज टू आर हमें फाइंड करना है करेक्ट। सॉरी देखिए जरा, पी अपॉन क्यू क्या आएगा यहाँ से, पी अपॉन क्यू इज 11/12 एंड पी अपॉन आर क्या होगा, पी अपॉन आर हमारा होगा 9/8 ठीक है। हम इसको क्यू अपॉन आर लिखे, क्यू अपॉन आर अगर लिखते हैं तो क्यू अपॉन आर हमारा होगा 12/11 राइट। एंड यहां से पी अपॉन आर हमारा क्या है, दिस 9/8 सॉरी दिस इज क्यू अपॉन पी, दिस इज क्यू अपॉन पी है, क्यू अपॉन पी 12 है और पी अपॉन आर क्या है हमारा 9/8 करेक्ट। और हमें फाइंड करना है क्यू इज टू आर, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें क्यू अपॉन पी इंटू पी अपॉन आर, सो ये आया हमारा 11/12 इंटू 9/8 राइट। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 9 जा 3 3 जा और 3 4 जा ठीक है, और ये पी पी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बाकी बचा है, लेफ्ट साइड में हमारे पास बाकी बचा है क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर, और राइट साइड में हो गया हमारा 11 3 जा 33/32। फाइंड क्या करना था, ये क्यू इज टू आर आ गया, क्यू इज टू आर हमारा क्या आया 33:22। सो आर इज टू क्यू क्या होगा, आर इज टू क्यू होगा 33:33। शायद हमें आर इज टू क्यू ही फाइंड करना था, सॉरी क्यू इज टू आर फाइंड करना था। सो क्यू इज टू आर हमारा क्या होगा 33:33। सो नन ऑफ दीज होगा क्योंकि यहाँ पर क्यू इज टू आर 33:32 है जो नहीं है ऑप्शन में, सो डी होगा राइट। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन, एक्स इज टू वाई का रेशियो हमें 3:4 दिया हुआ है, एक्स इज टू वाई, एक्स इज टू वाई इज 3:4, एक्स इज टू वाई इज 3:4, दिस इंप्लाइज एक्स अपॉन वाई क्या होगा 3/4 करेक्ट। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है राइट। एक तो सिंपल मेथड ये है, एक्स इज टू वाई 3/4 दे रखा है, सो आप एक्स को अज्यूम कर लीजिए, एक्स को अज्यूम क्या कर सकते हैं, एक्स कैन बी, एक्स हो सकता है 3k, एक्स क्या हो सकता है 3k और वाई क्या हो सकता है, वाई हो सकता है हमारा 4k। जब रेशियो में टर्म्स दी होती है तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं उनको, एक्स वाई हमें मिल गए। अगर एक्स की वैल्यू आप यहाँ डालते हैं देन इट विल बी एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर मतलब 3² k² सो इट इज 9k² वाई, वाई की वैल्यू क्या है 4 × k, आप यहाँ क्या रखेंगे 4 × k प्लस एक्स, वट इज एक्स 3 × k इंटू वाई स्क्वेयर, वट इज वाई स्क्वेयर 16k² 16k² अपॉन एक्स क्यूब, दिस क्यूब दैट इज 27k³ प्लस वाई क्यूब, वाई क्यूब इज वट 64k³ राइट, दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इट विल बी
9 4 जा 36, 36 के क्यूब प्लस दिस इज 16 3 जा 48 के क्यूब अपॉन 27 के क्यूब प्लस 64 के क्यूब। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से के क्यूब को कॉमन निकालकर हम कैंसिल कर सकते हैं। सो हमारे पास बचेगा 36 प्लस 48 अपॉन 27 प्लस 64, राइट। सो दिस इज 84 है नीचे डिनोमिनेटर में 91, राइट। इसको हम कट कर सकते हैं, 3 से कट हो सकता है ये, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और नहीं ये डिनोमिनेटर 3 से कैंसिल नहीं होगा, राइट। डिनोमिनेटर हमारा 3 से कैंसिल नहीं होगा, ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 2 जा एंड दिस इज बाय 13, 13 7 जा 91। सो रेशियो आ गया हमारा 12:13। देखते हैं जरा, यस 12:13 का आंसर में है हमारे 12:13, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज पी इज टू क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस देन एक्स स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, राइट। सो इस को यहीं ख़त्म करते हैं हम।